ठंडा माहौल होता नहीं है वीरू, ये ऐसे क्यों लग रहा है कि मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट्स को सांप सूंघ गया है? हर्षदा, देखिए मेरे ख्याल से सब पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं, और इस पूरे अगर आप देखें आज के, देखिए ऐसा नहीं कि बाजार बहुत खराब हो गया हो। अब आप देखिए ना हर्षदा, अब H1732 आप अभी भी 10 डेमा पे हैं, आप ऐसा नहीं है कि 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि ये जो परसों का दिन था ना, वो HDFC वाला दिन, उसने बाजार को अपने नॉर्मल ट्रेडिंग जोन से इतना ऊपर ले जाके स्थापित कर दिया कि बाजार वो नॉर्मल कूलिंग ऑफ प्रोसेस में आ गया है। तो अभी हम हार्डली 10 डेमा पे हैं, और अमूमन आप कभी माइनस की कम्युनिटी सुनिएगा, मेरी कम्युनिटी सुनिएगा, हम लोग परहेज करते हैं 20 डेमा के ऊपर शॉर्ट करने में। तो ऐसा नहीं है, ठीक है अगर आप देखिए बाजार थोड़ी सॉफ्टनेस आ रही है, लेकिन आई थिंक वो HDFC बैंक डे ने ना थोड़ी स्थितियाँ बदल दी हैं। मानस, आप मेरी बात से सहमत है क्या? अमूमन आप भी 20 डेमा को काफ़ी वेटेज देते हैं, मैं भी वेटेज देता हूँ, वो HDFC डे के चलते चीजें थोड़ी सी बदली बदली नजर आ रही हैं, क्यों? बिल्कुल, देखिए केवल ये देखिए, ये जो गिरावट देखने को मिल रही है इसे हम एक कोई बहुत बेरिश साइन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देखा था, तो ये केवल एक करेक्शन है, और ये करेक्शन शायद 20 डे मूविंग एवरेज तक जाएगा, वहां तक वहां पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से रैली रिज्यूम हो जाएगी। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, लेकिन विद इन द जो पैटर्न बन रहा है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, इस पे एक छोटा सा करेक्शन है, तो इसको केवल एक करेक्शन की तरह देखें। इसको इसमें मैं नहीं समझता कि बहुत घबराने की जरूरत है, बट 150-200 पॉइंट करेक्शन तो बिल्कुल वाजिब है। जिस तरह की वोलेटिलिटी है इस टाइम मार्केट में, वो तो 150-200 पॉइंट तो करेक्शन एक दिन में भी देखने को मिल सकता है। प्रहार तो नहीं हो रही है, बस बोरिंग हो गया मानस। प्रॉब्लम ये है कि एक तरफा जब लगातार गिरावट आती है तो आप देखते हैं कुछ शॉर्ट की आइडियाज मिल जाती है, तेजी में तेजी के आइडियाज मिल जाते हैं। आज तो देखिए सचिदानंद उत्तेकर अपना लैपटॉप ही बंद करके चले गए, उनको लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, अब क्या करेंगे? बिल्कुल, ऐसे मार्केट में तो बहुत डिफिकल्ट होता है, और स्पेशली जब कल कोई इवेंट हो तो आपको ट्रेड करना, जो SCBT या BTSC कॉल लेना है वो सच में बहुत डिफिकल्ट इस टाइम। सवाल घूम फिर के यही आता है कि गवर्नर साहब की ओर से क्या कमेंट आएगा, और फिर क्या यहाँ पर आउटलुक रहता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन का। अगर आपके हाथ में होता आशीष महेश्वरी, आप क्या करेंगे कल? अगर आप उस MPC के मेंबर होते, आप क्या वोट देते? मैं तो रेट हाइक करने पर तो बिल्कुल वोट नहीं डालता, क्योंकि मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप कितना भी आज की डेट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें,